सफर टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ नीलम ढिल्लों। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अज दी कुछ खास खबरों। नवी स्पैशल जांच टीम नू लैके पंजाब दे मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा वालों चुके गए सवाल। किसानी अंदोलन चुकन की पटीशन से सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। बार्डरां नू खाली करन दी कीती मंग। अमृतसर की एक सरकारी लैबोरेटरी विच कोरोना जांचण विच लापरवाही। 900 तो वध लोग कोरोना पॉजिटिव। नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह दा हुण पूरी तरह खुल के विरोध करन लगे। उन्हां दोष लगांदे होए कहा कि पंजाब च कांग्रेस सरकार दी थां बादलां दी हकूमत चल रही है। NHM जूनियर दे समूह मुलाजमां वल्लों सरकार द्वारा दित्ती गई नो वर्क नो पे अते टर्मीनेशन दी धमकी दे बावजूद भी अज लगातार 6वें दिन हड़ताल जारी। ते हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने पंजाब सरकार वल्लों बरगाड़ी मामले च नवीं बनाई गई सिट नूं जिथे चंगा फैसला दस्सिया उत्थे ही सिट दे जांच लई तय कीते समें ते सवाल भी चुके। उन्हां कहा कि जो 6 महीने का समा तय किया गया वह सही फैसला नहीं है, बल्कि लोगों का पहला ही जांच से भरोसा उठ चुका है। इसलिए इस सिट नूं जल्द तो जल्द 1-2 महीने अंदर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट सरकार नूं देनी चाहिए है। तो सरकार नूं भी इस रिपोर्ट नूं फास्ट ट्रैक कोर्ट च लैके जावे तां जो कोई भी दोषी है तां उस खिलाफ कार्रवाई करके उसनूं सज़ा दित्ती जा सके। बरगाड़ी मामले नूं लैके जिथे कैप्टन सरकार दी लोकां वल्लों आलोचना हो रही है उत्थे ही हुण पार्टी दे अंदरों भी सवाल उठने शुरू हो गए ने। सरकार द्वारा मामले दी जांच लई भावें नवीं SIT बना दित्ती गई है, पर कांग्रेसी मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा वल्लों इस SIT नूं दित्ते समें उत्ते सवाल चुके गए ने। बटाला च पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं बाजवा ने कहा कि बरगाड़ी मामले ते बनाई गई नवीं SIT एक चंगा फैसला, पर तय किया गया समा सही नहीं है। उन्हां कहा कि पहला ही लोगों का सरकार तो भरोसा उठ चुकिआ है, इसलिए इस जांच का समा 6 महीने की थां ते 1 जां 2 महीने होना चाहिए। उन्हां कहा कि सरकार इस मामले की जल्द तो जल्द जांच करवावे अते दोषियों नूं सज़ा देवे। मैं सरकार की सिट बनाने वाली जिहड़ी गल सी वेलकम करना, पर अनफॉर्चुनेटली जिहड़ा उन्हां नूं 6 महीने का समा जिहड़ा वह थोड़ा जिहा पिंचिंग है। लोग इस इशू नूं बड़ा छेती साल होना देखना चाहते ने, तो इसलिए 6 महीने वाली गल थोड़ी जी वो नहीं जची। मैं चाहूँगा भी हो सके तो सरकार रीथिंक करे। बाकी मैं आस है भी जी सिट बनी है वो शायद 1-2 महीने से अपनी रिपोर्ट दे देवे। जेडे सिट के इंचार्ज ने वो साडे बटाले दे किसी समय SSP लगे हुए थे, मैं उदों तो जानना भी बड़ा एफिशेंट ऑनेस्ट ऑफिसर है। त्यास करना भी वो 1-2 महीने अपनी जो उन्हां दी रिपोर्ट है वो दे देंगे, तां जो जिहड़ा इशू लोगों के दिमाग च घर घर के बैठा होया वो किसे पासे लगे। तो जो रिपोर्ट आ जाए सरकार नूं भी चाहिए भी इस केस नूं किसे फास्ट ट्रैक कोर्ट च ला के इस केस नूं किसे छेती किसे पासे लावे तां जो इशू सदा ही ना बर्न करदा रहे, किसे पासे गल लगे जे कोई दोषी है तो उन्होंने सजा मिले। तो ये रिपोर्ट मेरी आस मुताबक 1-2 महीने सिर दे देगी जो दे देनी चाहिए। पूरा एक तरीका भी इनू छेती तो छेती किसी कंकलूजन पर पहुँचाया जाए, सिट नूं ही चाहिए भी छेती रिपोर्ट दे देन। तो सरकार नूं ही चाहिए भी कोई सिस्टम जो कोई फास्ट ट्रैक वाला सिस्टम कोई सिस्टम बना के इनू किसी कंकलूजन पर पहुँचे ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ
अपनी गल हाई कमांड नूं कहण, पर मैं उन्हां नूं कुछ नहीं कहना, उन्हां बारे कुछ नहीं कहना चाहुंदा। देखो कोविड की सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ रही है, भावें सरकार बड़ा सिंसीयरली इस काम च लगी हुई है, थोड़ा जहा जे लोग कोऑपरेट कर लापन तो हल हो सकती है। लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे सरकार दे, अगे पहला ये जी वायरस ही थोड़ा जहा शहर ही रह गया सी, ऐतक पिंड भी चला गया वा, तो पिंड के लोग जड़े ने पूरा कोऑपरेट नहीं कर रहे। मैं बेनती करांगा पंचायतों लोगों भी काइंडली इस गल सीरीयसली लवो। बदकिस्मती है भी जो पिंड किसी खंघ लगती है तो लोग अपना इलाज कर लग पे, कोई काढ़ा देन लग पैंदा, कोई कुछ खवाउण लग पैंदा, तो जदों पूरा पता लगता उदों बहुत लेट हो जाता वा। सो अपनी जिहड़ियां दवाइयां ने सैल्फ मैडिकेशन जिहड़ी है वह नुकसान पहुँचा रही है, तो लोगों नूं जागरूक होना चाहिए। पहलां तां पूरे परहेज रखने चाहिए ने, मास्क पा के जिहड़ा डिस्टेंस नूं रख के तो अपना आर पार जिहड़ा करन दी लोड़ आ, तो आप बचण दी लोड़ आ। इस बीमारी उन्नी देर तक घर नहीं आएगी जे बाहरों असीं लैके ना जावांगे, तो लोगों नूं पेंडू लोगों नूं इस तों बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। इस वेले प्रैशर बहुत आ सरकार ते मरीजां दा। सुप्रीम कोर्ट च एक पटीशन दायर करके मंग की गई कि दिल्ली के सारे बॉर्डर तो अंदोलनकारी किसानों नूं हटाया जाए। किसान अंदोलन खत्म करने की मंग करने वाली इस पटीशन ते सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। कोरोना के वध रहे मामलों विचकार किसानों का अंदोलन जारी है। इस दरमियान लगातार केंद्र वालों किसानों नूं कोरोना फैलन तो रोकने लिए अपना धरना चुकन की गल कही जा रही है। इस दे चलदियां सुप्रीम कोर्ट च एक पटीशन दायर कर मंग की जा रही है कि दिल्ली के सारे बॉर्डर तो अंदोलनकारी किसानों नूं हटाया जाए। किसान अंदोलन खत्म करने की मंग करने वाली इस पटीशन ते सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। पिछले 24 घंटे में सामने आए नवे केसों में 72% केस 10 राज्यों में सामने आए हैं। ये राज महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा हैं। महाराष्ट्र च सब तो वध मामले सामने आए हैं। इसी तरह पिछले 24 घंटे में कोरोना की लाग कारण 75% मौतें 10 राज्यों में हुई हैं। अमृतसर दे एक सरकारी लैबोरेटरी विच कोरोना जांचण विच लापरवाही पाए जाण दी खबर है। एक जांच केंद्र विच 900 तो वध लोकां दे कोरोना पॉजिटिव पाए जाण नाल सब हैरान सन, पर यह मामला उदों होर भी हैरानीजनक जापिया जद उक्त लैब मुताबिक 5 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पर डॉक्टरां नूं इस रिपोर्ट उपर शक होया तां उन्हां अगले ही दिन दुबारा जांच करवाई जिस विच ओह कोरोना नैगेटिव पाए गए। प्राप्त जानकारी मुताबिक सरकारी मैडिकल कॉलेज स्थित लैब विच कोविड-19 वायरस की जांच की जाती है। बीते दिन इत्थे 932 जने कोरोना पॉजिटिव पाए गए जिन्हां विच 5 डॉक्टर भी सन। डॉक्टरां नूं इस रिपोर्ट उपर शक होया तां उन्हां अगले दिन ही दोबारा जांच करवाई जिस विच ओह कोरोना नैगेटिव पाए गए। यह गल सिविल सर्जन तक पहुंची तां उन्हां मामले की जांच करन दा हुक्म दे दिता। सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह ने कहा कि मैडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल घटना की जांच कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर गौतम देवगन है, मैं यहाँ पे एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ IDSP लैब सिविल हॉस्पिटल में। और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक लेटर सर्कुलेट हुआ था जिसमें सिविल सर्जन सर ने कहा था कि सारा स्टाफ अपना अपना RT-PCR टेस्ट करवाओ। तो हम लोगों ने भी नॉर्मल ऐसे ही अपना टेस्ट करवाया। हम इवनिंग में 5 लोग आते हैं IDSP लैब में, तो 5 ने करवाया। तो उसमें जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई तो उसमें पॉजिटिव आ गया हम लोग। तो ऐसे तो हम बिल्कुल ठीक थे, कोई सिम्टम नहीं था हमें, बिल्कुल फिट थे। तो हम लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ये तो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि डर भी गए थे हम लोग, काफ़ी शॉक थे। तो उस चक्कर में हमने दोबारा अपना टेस्ट रिपीट करवाया। तो जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव आई। तो यही थारा बात हुई थी। लेकिन अब हमने कंप्लेंट वगैरह दी है, सिविल सर्जन सर को भी दी है, रिटर्न में भी दिया। तो देखते हैं आगे क्या अभी रिजॉल्व हुआ है। अभी तक तो हमें इस बारे में कुछ पता नहीं चला कि क्या रीज़न था, क्या था। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट में सैंपल उस्किन की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे लापरवाही वाला काम नहीं होना चाहिए। मेरा नाम ब्यूटी सिंह है, मैं एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट IDSP लैब में काम कर रही हूँ। पिछले एक साल से कोविड में ही मेरी ड्यूटी लगी हुई है। और इतने सालों में तो एक साल में तो कोई ऐसी कोई इशू आया नहीं है, मगर इस बार ऐसे हो गया कि स्टाफ का ही सैंपल गया और स्टाफ में ही ये प्रॉब्लम आ गई। तो हमने फिर ये मुद्दा उठाया कि ऐसा क्यों हुआ कि हम सारे के सारे पॉजिटिव कैसे आ गए। हम लोग 5 लोग हैं यहाँ,
पर इवनिंग स्टाफ के, और पांचों के पांचों सैंपल एक साथ ही लिए गए और सारे अच्छे से, मतलब सैंपल कलेक्शन भी हुआ था, तो पांचों की रिपोर्ट एक साथ पॉजिटिव आ गई और सबकी रेंज भी एक जैसी आई थी, इसलिए भी हमें लगा कि ये मतलब कि क्या हो गया हमारे साथ। वैसे तो थोड़ी देर के लिए तो हम लोग बहुत शॉक्ड हो गए, क्योंकि हम लोग फैमिली में ही तब बैठे हुए थे जब हमें ये रिपोर्ट पता चली, घर पे ही थे, तो उसी टाइम से जो भी मेंटली ट्रॉमा होता है आप सब लोग समझ ही सकते हैं जिसके साथ भी होता है इस। फिर कुछ देर के बाद हम लोगों ने मतलब सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, पाँच के पाँच हम पॉजिटिव नहीं हो सकते क्योंकि हमें कोई सिम्टम्स नहीं है। फिर हमने दोबारा से अपने टेस्ट का वो किया कि हमें दोबारा टेस्ट करवाना है, तो फिर हम लोगों ने दोबारा सैंपल दिए, हमने रैपिड भी करवाया, फिर हमने दोबारा RT-PCR भी किया। जब दोबारा नेगेटिव की रिपोर्ट आई तब थोड़ा सा हम लोग रिलीफ हम लोगों को हुआ, क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा वरेड थे। और फिर ये भी था हम लोगों को कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो फिर बाकी की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें भी ना कोई प्रॉब्लम हो। तो हम लोगों ने एक्शन लिया और एप्लीकेशन लिखी और सिविल सर्जन सर से बात की इस बारे में। तो अब हो रहा है, एक्शन हो रहा है, उन लोगों ने इसके ऊपर कर रहे हैं, फिर उनको उनकी भी इंक्वायरी की वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की भी, तो अभी तक तो मतलब नहीं जी, जो टेस्ट उस दिन कंपैरेटिवली ज़्यादा पॉजिटिव आए थे, तो बाद में ये भी आया कि हमारे कुछ जैसे IDSP लैब है वहाँ के पांच हमारे जो एम्प्लॉइज थे उनके पॉजिटिव आए, देन नेक्स्ट वो नेगेटिव हो गए। तो उसके लिए मैं जो हमारे असिस्टेंट सिविल सर्जन है उनको बोला था कि मामले की पड़ताल करो, वो कर रहे हैं, और हमने लेटर लिखी है प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और उनके मेडिकल स्टूडेंट को कि इस मामले की पड़ताल करके हमें रिपोर्ट दें। हमने बोला कि इसके तुरंत रिपोर्ट भेज जाए, तो उसकी जो जब रिपोर्ट आएगी देन फर्दर एक्शन विल बी टेकन। लैब विच अजेही कुताही दे पता लगन ते हुण ए सवाल उठ रहे हन कि इन्हां वधदे मामलियां विच असली कोरोना पीड़ितां दे नाल नाल पता नहीं किन्ने तंदरुस्त लोकां नूं वी कोरोना पॉजिटिव ऐलान दित्ता गया। साबका मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह ते पूरी तरह खुल के विरोध करन लगे। नवजोत सिद्धू ने फिर सोशल मीडिया ते धमाका करदे होया कहा कि पंजाब दे सारे विधायकां दी इस गल ते सहमति है कि पंजाब च कांग्रेस सरकार दी थां बादलां दी हकूमत चल रही है। इत्थे ही बस नहीं, सिद्धू ने दोष लगाते हुए कहा कि साडे विधायकां ते पार्टी वर्करां दी गल सुनन दी बजाय अफसरशाही अते पुलिस बादल परिवार दी इच्छा मुताबिक काम कर रहे हन। सरकार लोक भलाई लई नहीं सगों माफिया राज नूं बरकरार रखण लई चल रही है। शनिवार नूं नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया ते कैप्टन अमरिंदर सिंह खिलाफ बोलते हुए कहा सी कि अफसोस गृह मंत्री दी नाकाबिलियत करके सरकार हाईकोर्ट दे ओ हुक्म मनन लई मजबूर है जिसके विरोध च पंजाब दे लोक खड़े हन। नवीं सीट नूं 6 महीने होर देण दा मतलब सरकार दे सब तों वड्डे चोण वादे नूं बदकिस्मती नाल आउण वालियां चोणां तक होर लटकाणा है। सरकार दे फैसले ते सवाल चुकदे हुए सिद्धू ने आख्या कि इंसाफ विच जानबूझ के देरी लोकमत नाल विश्वासघात है। 6 सालां दौरान कई जांच कमीशन ते सिट्टां बनन करके सबूत कमजोर हो गए हन ते इक्को दोष बारे बार बार पड़ताल होण कारण दोषी अपना बचाव मजबूत करन लई होर स्याणे हो गए हन। नैशनल हैल्थ मिशन पंजाब दे अंदर काम कर रहे कर्मचारियों दीआं लंबे समय तो ना मन्नियां गईआं मंगां दे कारण सारे कर्मचारियों वल्लों सरकार विरुद्ध चल रहे प्रोटेस्ट विच अज 6वें दिन लगातार फिरोजपुर जिले दे विच NHM कर्मचारियों वल्लों हड़ताल कीती गई। अज NHM कामियां दे नाल रेगुलर जॉब ते काम कर रहे डॉक्टरां, पैरामेडिकल यूनियन अते पैरामेडिकल तालमेल कमेटी, ICTC, बिजली बोर्ड, NRMU अते किसान जथेबंदियां ने इन्हां मुलाजमां दे धरने विच साथ दित्ता। बीते दिनी MD NHM दे वलों एक पत्तर जारी करके मुलाजमां नूं नौकरी तों टर्मीनेट करन दी धमकी दित्ती गई सी, पर उस धमकी नूं नकारदिआं होया जिला फिरोजपुर दे समूह NHM मुलाजमां वलों अपना प्रोग्राम पूरा कीता गया। मुलाजमां दी इहो मंग है कि पंजाब सरकार बिना किसी शर्त उन्हां नूं रेगुलर दा नोटिफिकेशन जारी करे अते अजिहा ना करन दी सूरत विच मुलाजम अपने संघर्ष नूं होर तिखा करनगे। सरकार इतनी कोई झूठी सरकार है, असीं मतलब कि पैदा कर ली है कि जिहड़ी जदों इह सरकार होंद विच आउण वाली सी उदों इसे सरकार ने सानूं इह गल कही सी कि जदों भी असीं साडी सरकार बनेगी कांग्रेस सरकार असीं तुहानूं पक्के करांगे। तुसीं इह किड्डे कु झूठे साबित होए आ, अज 3-4 साल बीत जाण दे बावजूद भी इह मंत्री साहब जिहड़े है
हूँ थोड़ी दिन की गल है, जो करोना शुरू होया ने कहा कि अभी तुम पक्के करा करोना, करोना हजे घट गया, सारा कुछ हो गया तो हूँ फिर मुकर गए है। बलबीर सिद्धू जी मैं पूछना चाहवागा कि तुसी कोई जबान तुहाडी है, कोई मां बोली है, कोई जमीर है जिन्हों तुसी मतलब कि हाथ रख के जिद्दे गीता ते हाथ रख के कुछ ग्रंथ साहब ते हाथ रख के तुसी ये कह सको कि मैं आ सच गल कह रहा हाँ, जो जो बोलते जे उ अगले दिन मुकर जाते जे, किस गलों तो ये सरकार साढ़े हुण मुलाजमान नाल इन्ना कु धोखा कर रही है कि एन आर एच एम मुलाजम तो 10-20 हज़ार रह रहा है, उन्होंने मौत के मूँह झोंकया जा रहा है, उनके वास्ते कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कल उस मुलाजम को कुछ हो जाए तो की मिलेगा, कुछ भी नहीं। एक 50 लाख की बार बार कहते जी इंश्योरेंस है, जो कि होंगे कि हर चौथे दिन जी एक्सटेंड करनी पैंती है इन्हों, वो भी मुलाजमान के कहते, नहीं तो वह भी किसी मुलाजम की जॉब सिक्योरिटी नहीं, 3 महीनों बाद अगर वो इंश्योरेंस खत्म हो जाती है, अगर उनके पे वो जोड़ा है उस तो बाद भी कि उन्होंने कोई बीमारी अंदरूनी रह जाती है तो उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगर वो मरता है उन्होंने कुछ नहीं मिलेगा, उनकी फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा, यही एन आर एच एम है। सानू ये चाहिए है कि सानू पक्के करन किया जाए, ये जी अगर सरकार चाहती कि एन आर एच एम तो 10-10, 20-20 हज़ार तो ही पक्का यह काम कराने हैं, तो धमकियां किस गल की, सरकार सरेआम धमकियां दे रही है कि तुम्हें कढ़ दिता जाएगा। ओपीडी भी बंद की गई है, ओपीडी भी साढ़े वालों अज साढ़े नाल सारे जत्थेबंदियां साढ़े फिरोजपुर दी साढ़े नाल है, जिहदे फिरोजपुर के रैगूलर डॉक्टर वो भी एक घंटा लई साढ़े नाल शामिल होए है, ओपीडी बंद की गई है, तो इसलिए किसान जत्थेबंदियां रेलवे यूनियन के मुलाजम वो भी साढ़े नाल है, कहिंदे कि तुहाडे हकां लई असीं तुहाडे नाल हाँ, तो इसलिए साडा इक्को ही कहना है कि सरकार सानू पक्के करे, या ये काम करोना का जिहड़ा है जो 1.5-1.5 लाख तनखावां लै रहे हैं उन्हां कोल करवा लिया जाए। की नाम है तुहाडा? डॉक्टर ललित। जदों भी किसान अंदोलन साडा पुराने कई समय तो चलता आ रहा, यह मुलाजम सिविल हस्पताल तो पहुँचते जिन्होंने कोई भी मंगा नहीं साथ देना, उसे जाके साथ देना, मोड़े ना मोड़ा जोड़ के साथ देते हैं, हर पक्ष ये साथ देना जाके भारी काट दे रोस प्रदर्शन करते हैं, अज इन्हों जो मुसीबत का वक्त है असं इन्हों मोड़ा ना मोड़ा जोड़ के खड़ा, इन्हों सरकार का पिंड स्यापा करके जो इन्हों बनते हक इन्हों दबाने तक की कोशिश करा, जितों तक के सूँ बुला के असं इन्हों आके इन्हों दरी से बह के जो भी अपना भारी तो भारी काट विखा के सरकार को गोडिया भार करके जोड़े कच्चे मुलाजम इन्हों पक्के करावे, तो जेड़ा भी कोई इन्हों का संघर्ष जो भी इन्हों मंगा होनगियां असं यकीनी पूरिया करावे। इस धमकी के कारण ही असं सारे अज इकट्ठे हो गए इतने आए हैं, सरकार दीयां धमकियां दे नाल ही अंदोलन इन्ने इन्ने वधदे जा रहे हैं गाणू, तो सरकार आपकी अखा खोले भी ये लोग फटन वाले नहीं है, मगर इन्हों दे नाल होर असं आगे खड़ांगे, होर भी जथेबंदियों का भारी समर्थन है, अज कोविड के प्रोटोकॉल करके भारी इतने कट नहीं दिखाया इस करके अभी भी इन्हों की नौकरी से भी कोई एक्शन ना आए कल, इस करके अभी सारे इन्हों के नाल हाँ इन्हों के नाल हक इन्हों दवा के हटा। इस दे नाल ही मैनू नीलम ढिल्लों नू दिओ इजाजत, तुसी देखते रहो सफर टीवी।